फाइंडेज चेंज इन इज रेजिस्टेंस डेट्स क्वेश्चन हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है एज इट इज गिवेन की यहाँ पे हमारे पास हो गया एक सिलेंड्रिकल वायर इसकी लेंथ क्या गिवेन है आर गिवेन है नहीं दैट इज एक्चुअली सॉरी रेजिटेंस रेजिस्टेंस आर है लेंथ एल है हम लोगों ने क्या किया कि इसको डबल कर दिया इसकी लेंथ को डबल कर दिया ये हो गया ट्वेल्व रेजिस्टेंस हो गया आर डैश परसेंटेज चेंज बतानाने इन रेजिस्टेंस तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना होगा इन दी एंड हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है रो एल ओवर ए यानी कि आपने लेंथ डबल किया रेजिस्टेंस भी डबल होगा तो ये हो गया टू टाइम्स ऑफ आर रेजिस्टेंस भी डबल हो गया आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए रेजिस्टेंस भी डबल हो गया पोर्शेंटेज चेंज इन एनी क्वान्टिटी कैसे निकालते हैं सॉरी दिस इज चेंज दैट इज आर डैश माइनस आर ओवर आर इंटू हंड्रेड फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड ये हो गई फाइनल वैल्यू टू आर माइनस आर ओवर आर इंटू हंड्रेड यानी कि दिस इज वॉट टू आर माइनस आर दैट इज जस्ट आर आर से आर कैंसल हंड्रेड परसेंट दैट इज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड हेयर इज हमारा फर्स्ट आंसर जो है दैट इज हंड्रेड एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है सेकेंड इज टू हंड्रेड दैट इज इन करेक्ट थर्ड इज थ्री हंड्रेड दैट इज ऑल्सो इन करेक्ट फोर्थ इज फोर हंड्रेड दैट इज ऑल्सो इन करेक्ट इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राइट दिस इज यहाँ पे या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्स क्वेश्चन टर्न ऑफ रेडियस आर इज बैंक फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट स्पीड ऑफ वी इफ रेडियस ऑफ रोड इज सेवेंटी फाइव मीटर देन स्पीड ऑफ व्हीकल इज थर्टी मीटर पर सेकेंड वट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ व्हीकल रेडियस ऑफ रोड इज फोर्टी एट मीटर यहाँ पे बेसिकली क्या आगे है हमें क्या करना है वी नो कि पे क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली बैंक हम लोगों ने किया है प्रपोशल so कि है स्क्वेयर रूट ऑफ आर से प्रपोशल है? है तो वी वन ओवर वी टू आप बोल दो रूट आर वन ओवर आर टू रूट के अंदर वी वन क्या हो जाएगा दैट इज रूट ऑफ आर वन ओवर रूट आर टू इंटू वी टू से हम लोगों ने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेंटी फाइव मीटर के लिए थर्टी मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए तो ये हम लोग वी टू एंड आर टू रख लेते हैं तो एंड उसके बाद हमें फोर्टी एट मीटर के लिए निकालना है दैट इज स्क्र रूट ऑफ फोर्टी एट ओवर सेवनटी फाइव इंटू में ये हो गया वट इज इट थर्टी इंटू में थर्टी ये कितना है दिस इज फोर ओवर फाइव सिक्स मीटर पर चेक कर लेते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमें एक फिगर है अ पॉइंट पी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड वी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन

आई कैप हाँ अब हमें क्या बताना है एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन पोलर पोजीशन आर कम कॉमा थेटा मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी सो कांस्टेंट स्पीड से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेंबर ये स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है टोटल एक्सेलरेशन इज व्हाट टोटल एक्सेलरेशन इज ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वेयर बाई इन मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्शन के साथ देना है हेयर्स

इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा राइट इस डायरेक्शन में ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इधर अब आल्सो अलोंग विद डैट क्या गिवन है कि ये एंगल थेटा है राइट कुछ ऐसे कर लेते हैं कि ये वाला एंगल थेटा है तो हम लोग क्या बेसिकली करते हैं कि कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं ये जो हम लोग हमारा आ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इसके दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे लिख लेता हूं एक इस डायरेक्शन में नीचे एक नेगेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वर्टिकल वाला दिस इज समर्ट दिस वे हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट इज हॉम्पोनेंट बने सिंस ये वाला एंगल थेटा तो ये वाला एंगल थेटा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बनेगा

एंगल थेटा तो ये इधर साइन थेटा जी क्या ए सी क्या होगा ए सी हो जाएगा वी स्क्र बाई आर इसका मतलब since R is also the radius, इसका मतलब जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन हमें चाहिए ए सी टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट अलोंग विथ द डायरेक्शन दिस इज माइनस वी स्क्वेर ओवर आर कॉस थेटा

third incorrect hai, fourth be incorrect hai, and that is all the solution to these problems of jee main 2022 and that is all for today thanks to all of us and, jay and jay.